नमस्ते, आई एम बीना भारती फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। चिल्ड्रेन, टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड चैप्टर आ फूड इन ईवीएस। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लास्ट ईयर वी रेड अबाउट फूड। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सभी जीवित रहने वाली चीज़ों को जीने के लिए भोजन जरूरी है। आगे बढ़ते हम। वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो। हम लोग फूड क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं? जीने के लिए और बढ़ने के लिए, ठीक है। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या है, हमें ताकत देती है। जो भी भोजन हम करते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें ताकत भी मिलती है। फूड keeps us healthy and makes us strong. फूड कर खाने से क्या होता है, हम हेल्दी बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं और ताकतवर भी बनते हैं। इसलिए खाना खाना जरूरी है। We eat different types of food. हम लोग तरह तरह के भोजन को खाते हैं। We get food from plants and animals. हम लोगों को भोजन कहाँ कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है और एनिमल्स से भी मिलते हैं, ठीक है। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो भोज्य पदार्थ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स। एंड द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट्स। और जो खाने की वस्तुएं हमें जानवरों से मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नाउ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस। दे आल्सो गिव अस नट्स एंड ऑयल्स। अब यहां हम लोग देखते हैं कि हमें पेड़ पौधों से कौन कौन से खाने की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें नट्स और ऑयल्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रेन्स की ओर। ग्रेन्स क्या है, ग्रेन्स गेहूं, चावल को हम लोग ग्रेन्स बोलते हैं। देखिए यहां पर चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है वीट प्लांट, ठीक है। अब वीट प्लांट से हमें गेहूं प्राप्त होता है और गेहूं से आटा बनता है और आटा से हम लोग रोटी, पूड़ी, पराठा और भी ढेर सारी चीज़ें बना करके खाते हैं। आप लोगों को आपकी मम्मी बनाकर खिलाती होंगी, ठीक है। ग्रेन्स आर यूज्ड टू मेक चपातीज, बिस्किट, ब्रेड एक्सेट्रा। तो ग्रेन्स से अभी मैं बताई आप लोगों की क्या क्या चीज़ बनता है, वही चीज़ को फिर से यहाँ कहा गया है कि ग्रेन्स से चपाती, बिस्किट भी बनता है, ब्रेड भी बनता है, ठीक है, और भी ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल। अब देखिए यहाँ दाल का पौधा का चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि पौधा किस प्रकार का होता है दाल का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर दाल के दाने हैं। दाल कई रंगों की होती है, आप लोग देखे होंगे अपने मम्मी को, कभी लाल दाल बनाती हैं, कभी पीली, कभी हरी, है ना। और उसको जब वो दाल बनकर तैयार होती है तो वो इस प्रकार की होती है, होती है ना, ठीक है। पल्सेस आर यूज्ड टू मेक दाल, रसम, सांबर एक्सेट्रा। तो पल्सेस से क्या क्या बनते हैं, दाल बनाते हैं जो आप रोज खाते हैं, रसम और सांबर ये साउथ इंडियन फूड है, इसे हम इडली के साथ खाते हैं, आप भी पसंद करते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दाल को भी हम कई तरह से बनाते हैं और अपने भोजन में उसको शामिल करते हैं, ठीक। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो आप जानते ही हैं फल को कहते हैं और वेजिटेबल्स सब्जियों को कहते हैं। प्लांट गिव अस फ्रूट्स, वी ईट फ्रेश फ्रूट्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलती हैं, सब्जियां और फल दोनों ही मिलते हैं।
पर क्या है कि हम लोग फ्रूट्स जो है वो फ्रेश खाते हैं, ताज़े फ्रूट को खाते हैं। वी ऑल्सो मेक जूसेस फ्रॉम द फ्रूट्स, हम लोग फ्रूट्स का जूस बना करके भी पीते हैं, जूस भी निकालते हैं फ्रूट्स से, मार्केट में भी मिलते हैं और मम्मी भी घर में निकाल करके पिलाती होंगी आप लोग को, है ना। वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड देन ईटन, सब्जियों को क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह से फल को कच्चा खाते हैं उस तरह से सब्जियों को तो कच्चा नहीं खा सकते हैं, तो मम्मी क्या करती है उसको अच्छे से धो करके काट करके और उसको पकाती है, तब हम लोग उसको खाते हैं। ठीक, सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, परंतु कुछ वेजिटेबल्स को जो है वो हम कच्चा भी खा सकते हैं, रॉ मीन्स कच्चा, जैसे सलाद हम लोग कच्चा खाते हैं, है ना, तो लेकिन वो भी वेजिटेबल्स में आता है इसीलिए उसको हम लोग कच्चा भी खाते हैं। वी ऑल्सो मेक सूप्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का सूप्स भी बनता है जो खास करके ठंड के मौसम में आपकी मम्मी बनाती होंगी और आप लोगों को पिलाती होंगी। तो देखिए प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ मिले, ग्रेन्स मिले, पल्सेस मिले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिले। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और हमें प्लांट्स से क्या क्या प्राप्त होती है। हमें नट्स भी प्लांट्स से ही प्राप्त होते हैं, देखिए पीनट, आमंड, कैश्यू नट, वॉलनट, यहाँ ये सब चित्र दिया गया है, इन्हें हम नट कहते हैं। ठीक है, और भी ढेर सारी नट्स हैं लेकिन यहाँ कुछ ही चित्र दिए गए हैं। नट्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर, नट्स जो है ये ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं हम इसे, और ये ज़्यादातर ठंड के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मूंगफली है, ये बादाम है, ये काजू है, ये अखरोट है ना। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम देम, इन सब चीज़ों से हमें तेल भी प्राप्त होता है, ऑयल मीन्स तेल, इनसे हमें तेल भी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑयल्स। अब देखिए यहाँ ऑयल्स हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, कुछ का चित्र यहाँ आपके बुक में दिया गया है, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, हमारे समझ से ये सब आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, प्लांट्स गिव अस ऑयल, ऑयल इज यूज टू कुक फूड, प्लांट्स से हमें ऑयल्स भी प्राप्त होते हैं, देखिए यहाँ चित्र द्वारा समझाया गया है, तो इनसे हमें ऑयल्स भी मिलते हैं, हाँ, जिससे सब्जियाँ बनाई जाती हैं या फिर हम तली हुई चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स से प्राप्त हुई, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल्स। हमें मेडिसिन भी प्लांट्स से मिलते हैं पर वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, अब तक तो हम पढ़े कि प्लांट्स से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि हमें जानवरों से कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ चित्र है काऊ, बफेलो, गोट, एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट गिव अस मिल्क, ये तीन चीज़ें हमें दूध देती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पीने में या उसको विभिन्न तरीके से कुछ कुछ बना करके भी हम लोग खाते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको रोज़ एक ग्लास दूध पीनी चाहिए, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मिल्क इज यूज टू मेक कर्ड, बटर, चीज़, खीर, आइसक्रीम एक्सेट्रा, यहाँ चित्र दिया हुआ है, तो मिल्क से हम लोग ढेर सारी चीज़ें बना करके खाते हैं, ना कि सिर्फ पीते ही हैं। क्या क्या बनती हैं, हम लोग दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, ढेर सारी चीज़ें बना करके खाते हैं। मम्मी भी बहुत कुछ बना करके आप लोगों को खिलाती होंगी, दूध से बनी हुई चीज़ों को आप लोगों को खाना चाहिए। अब देखिए और एनिमल्स से क्या प्राप्त होते हैं, सिर्फ दूध ही नहीं प्राप्त होते बल्कि और भी कुछ प्राप्त होते हैं। अब देखिए हैन गिव्स अस एग्स, हैन जो है वो हमें अंडे देती है, आप अंडे पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
सम पीपल ईट द मीट ऑफ द एनिमल्स, कुछ लोग जो हैं वो मीट भी खाते हैं एनिमल्स के, जैसे चिकन, मटन, फिश, है ना? तो ये भी हमें एनिमल्स से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो एनिमल्स से हमें क्या क्या प्राप्त हुए? दूध प्राप्त हुई, जिससे हम तरह तरह की मिठाइयाँ और खीर, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें बना करके खाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो एग पसंद करते हैं खाना, चिकन, मटन, फिश पसंद करते हैं खाना, मतलब मीट पसंद करते हैं, एनिमल्स के मीट को पसंद करते हैं खाना, ठीक है? अ पर्सन हु ईट्स फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेजिटेरियन। जो आदमी प्लांट्स प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट को खाते हैं उनको कहते हैं वेजिटेरियन, और जो मनुष्य एनिमल्स के मीट को खाते हैं उन्हें कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? अ पर्सन हु ईट्स मीट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? लेकिन हम लोगों को वेजिटेरियन रहना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, इट इज ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन, हम लोगों को वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जोजो है, ये बच्चा का नाम है जोजो। अब देखिए इसकी क्या हालत है। जोजो डज नॉट कीप वेल, ही बाइज फूड फ्रॉम द रोड साइड हॉकर्स। रोड के किनारे देखते होंगे आप लोग ठेला लगता है। ये जोजो जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है तबीयत ठीक? क्योंकि वो रोड साइड में जो ठेला लगे रहते हैं उनसे वो चीज़ों को खरीद कर खाता है। ही ऑल्सो ईट्स चॉकलेट्स एंड टॉफीज एवरी डे, और वो क्या करता है, चॉकलेट्स भी खाता है और टॉफीज भी रोज खाता है, ठीक है? टू रिमेन हेल्दी अवॉइड ईटिंग दीज टाइप्स ऑफ फूड्स, ओके? हेल्दी रहने के लिए हमें इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इनको खाने से बचना चाहिए, ठीक है? देखिए ये बच्चा यहाँ रोड साइड हॉकर से खरीद करके खाया, टॉफ़ी खाया, ज़्यादा चॉकलेट खाया, तो क्या हुआ, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? इसलिए हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहला है अनकवर्ड फूड। देखिए ये जो यहाँ फूड यहाँ दिख रहा है चित्र में, पिक्चर में, ये ढका हुआ नहीं है, इन पर देखिए फ्लाइज है जो वो मंडरा रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब देखिए स्पाइसी फ्राइड फूड, यहाँ देखिए बहुत मसालेदार, स्पाइसी मीन्स मसालेदार, बहुत मसालेदार और तली हुई चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। समोसा आप लोगों को तो खूब पसंद होगा, परंतु उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? फूड फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स, देखिए रोड साइड में जो अभी मैं बताई ठेला, वो ठेला पर से खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो ढकी हुई नहीं रहती हैं चीज़ें, और दूसरे में क्या है, देखिए मक्खी वगैरह सब उड़ रहा है, और अगर इधर से गाड़ी पास होती है कोई भी तो उससे धूल उड़ते हैं तो वो भी इस पर आकर के बैठ जाता है, तो इसीलिए हमें रोड साइड हॉकर से चीज़ों को खरीद कर नहीं खाना चाहिए, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। टू मैनी स्वीट्स, ज़्यादा मिठाई या मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है? जंक फूड तो आजकल आप लोग को बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना, परंतु क्या है कि इन्हें हमें खाने से बचना चाहिए, ठीक है? इन चीज़ों से अगर हम खाने से बचते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे, ठीक है? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कवर द फूड, घर हो या बाहर कहीं भी जो भी भोजन के पदार्थ हैं उन्हें ढककर रखना चाहिए।
फ्लाइज मेक द फूड डर्टी, मक्खियाँ जो हैं वो खाने की चीज़ों को गंदी कर देती हैं. टू मच स्वीट्स एंड फ्राइड फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमें प्लांट्स से कितनी सारी चीज़ें मिली, हैं एनिमल्स से हमें मिल्क मिले और इतनी सारी चीज़ें मिली, है ना. तो अब देख, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है. आज में आ गया होगा बच्चों, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. ओके, सो नाउ यू रीड द चैप्टर एंड वेर एवर यू हैव प्रॉब्लम यू आस्क मी इन योर ऑनलाइन क्लास. दैट्स ऑल, थैंक यू.